मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों का लेंस सफेद पड़ जाता है। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ईशान यादव ने बताया कि पुराने समय में लोग इसके पकने का इंतजार करते थे, लेकिन अब मोतियाबिंद पकने से मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। पकने के बाद काले पानी का खतरा और बढ़ जाता है। दरअसल मोतियाबिंद की बीमारी 40 वर्ष की उम्र के बाद कभी भी हो सकती है। मरीज दूर दूर से डॉक्टर ईशान के पास आंखों का चेकअप और इलाज करवाने पहुँचते हैं। मेरे को समस्या अब से नहीं, एक साल पहले मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया था, ईशान डॉक्टर साहब को, इनको तो ईशान यादव ने मुझे बताया था कि आपकी आंखों में मोतियाबिंद है। तो ये मोतियाबिंद का मेरा किसी आगरा के अंदर किसी डॉक्टर ने नहीं लिया था, सबने ही मना किया था। लभसम बोले कि इनका ऑपरेशन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि पेट से तुम्हारी पुतली छोटी है। इसलिए तो मैं फिर डॉक्टर साहब से मिला तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि तुम्हारा ऑपरेशन हम कर देंगे। तो मैं ऑपरेशन कराने के लिए गया तो डॉक्टर साहब ने मेरी आँख को देखा तो एक सीधे आँख की आँख से मुझे बहुत कम दिखाई देता था। देखिए, अभी आपने जिस पेशेंट को सुना है उनका नाम प्रमोद है और ये पेशेंट मेरे पास में लगभग एक साल पहले आया था और ये पेशेंट को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं आई से रिलेटेड और इनकी आँख में कंजनाइटल ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो अनुवांशिक तौर पे इनको हैं। जैसे कि इनकी आँखों में इनका जो साइज़ होता है इनकी आँखों का वो बहुत कम है बाकी लोगों की आँखों के मुकाबले। अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग माइक्रो ऑफ्थेल्मोस बोलते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारी आँखों के सभी पार्ट ज़रूरत से ज़्यादा छोटे होते हैं, जो नॉर्मल साइज़ होता है उससे काफ़ी हद तक वो छोटे हो जाते हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ईशान ने बताया कि मोतियाबिंद में पहले बड़ा चीरा लगाकर ऑपरेशन करते थे जिसको टांकों की सहायता से भरा जाता था, लेकिन आज विकसित तकनीक के चलते चीरा छोटा लगाते हैं जिससे मरीज को रोजमर्रा के कामकाज में खासी दिक्कत महसूस नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़, आगरा।